बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो आज का व्लॉग जो है वो है जी हमारा शबे बारात की रूटीन पे, कि आज के व्लॉग में आप सबके साथ शबे बारात की रूटीन जो है वो शेयर करेंगे कि गांव में शबे बारात की रूटीन क्या होती है। बाकी व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले हमारे जितने भी बहन भाइयों ने हमें एडवांस शबे बारात की मुबारक दी थी, तो उनको जी हमारी तरफ से भी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और खैर मुबारक की उन्होंने हमें जो है पहले एडवांस मुबारकबाद दी है। बाकी तो माशाल्लाह जी, ये शबे बारात जो है वो इबादतों वाली रात होती है और इसमें जो है अच्छे अच्छे खाने जो है वो भी पकाए जाते हैं। अपने जो बहन भाई या वालदैन या जो भी हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनके एहसाले सवाब के लिए जो है ख़त्म शरीफ दिलवाया जाता है, जो यानी कि अभी हम लोग दिलवाते हैं पंजाबी में, हम लोग उसको ख़त्म शरीफ बोलते हैं। तो ख़त्म शरीफ जो है वो दिलवाया जाता है और साथ में जो है इबादत की जाती है। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम आपके साथ अपनी वो सारी रूटीन जो है वो शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं ये लेकर आई हूँ माल्टे। एक तो मैंने इसको इसलिए उठाया हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ताकि मेरा दुपट्टा जो है ना वो हटे ना, और बाकी जो है ना यहाँ पर हमारे बाकी जो मसाला जात है ना वो आ चुके हैं। अभी हम जल्दी से खाने की तैयारी शुरू करते हैं। बजर ने जी वीडियो का स्टार्ट से पहले ही वीडियो का एंड कर दिया है, तो सलाम की बजाय वो वीडियो का एंड करके बैठ गई है। चलिए अभी जल्दी से मसाले की तैयारी करते हैं। सूजी बनानी नहीं थी पर वजह ने कह दिया सूजी बनानी। ओके नंबर ये लो, मतलब फेंक क्या नहीं इधर फेंक का। तो अभी जी तारिक साहब जो है ना वो लकड़ियों की कटाई कर रहे हैं और बच्चे जो है ना वो लकड़ियाँ मुझे ला कर दे रहे हैं। मैंने इस चूल्हे में भी आग जलानी है और साथ में इस वाले में भी आग जलानी है। मैं सारा सामान जो वो लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पे, और इसको भी कढ़ाई को भी मैंने लगा दिया है लेप। अभी जैसे ही हमारी आग जलते फिर हम खाना बनाना शुरू करते हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे चूल्हे जो है ना वो जल चुके हैं। तारिक साहब ने अच्छी आग जो है वो जला दी है दोनों चूल्हों में। तो इस पे हम रख देते हैं कढ़ाई और इस पे हम रख देते हैं जी ये पानी, क्योंकि हम लोग आज बनाएंगे जर्दा। हाय खलोवण दी वाह, कोई नहीं इतनी आग वाली। तो यहाँ पर कढ़ाई जो है ना इसको हमने रख दिया, इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टाइम जब कम होना तो फिर ऐसे जल्दी जल्दी में खाना जो है वो बनता है। ठीक हो गया, जर्दा बनाना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सालन मैं बनाती हूँ। चलें जी, आज तारिक साहब और मेरा मुकाबला हो जाएगा फिर। कौन बनाता है? लकड़ियाँ असल में ना अब खुश्क हो गई हैं, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, धूप होती है, इसलिए
तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिए प्याज और ये अब फ्राई हो रहे हैं। तारिक साहब जो है लकड़ी और लेने चले गए थे, आज उनका ना चूल्हे उड़ाने का इरादा है। और इधर पानी जो है मैंने इसमें रख दिया, जैसे पानी गर्म होगा ना तो फिर हम इसमें डाल देंगे वो देगची बेचारे का सत्यानाश हो गया, ऊपर से काली सिया हो गई। तो आज ही हमने अपने साथ वाले जो हमसाए हैं उनको भी दावत दी है कि आप लोग शबे बारात जो है ना वो आज हमारे पास, उनके बच्चे जो है बच्चे क्योंकि वो अक्सर बच्चों के साथ खेलने आ भी जाते हैं, तो थोड़ी देर पहले भी आए हुए थे, तो फिर मैंने कहा चले आज की दावत आपकी ना हमारी तरफ है। बच्चे जो है ना वो नहा धो के तैयार श्यार हो के आ गए। तो यहाँ पे जी प्याज हमारे जो हैं वो हो गए हैं फ्राई, अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। हजार अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी जो है वो उबलना शुरू हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। पानी जो है मैंने उबलने के लिए थोड़ा खुला रखा है ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि हम लोग कच्चे चावलों का जरदा बना रहे हैं इस। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चावल जो है वो मैंने डाल दिए, अब हम इसमें डाल देंगे ये वाला जरदा कलर, ये पीले पीले चावल बनेंगे हमारे यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा जो है ना हिला देते हैं ताकि सारे चावलों में कलर जो है वो चला जाए। और इधर हमारा जो चिकन है ना वो भी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च। जल्दी में जो है ना समझ नहीं आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि चावलों वाला चम्मच जो है वो जाए इधर सालन में और सालन वाला चावलों में। जी अदरक और लहसुन डालने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए ये टमाटर। अभी इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारे मेहमान भी कतारें बना के बैठ गए। इधर हमारे चावल जो हैं वो माशाल्लाह से उबलना शुरू हो चुके हैं, तो बस इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि एक तो ये है कच्चे चावल है। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे जो हैं वो गल चुके हैं, और अब हम इनको ना उतार लेते हैं नीचे और छान लेते हैं। गलाने तो नहीं थे खैर। तो साइड पे जो है ना इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें पानी जो है वो थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है, बाकी गर्म है इसलिए। सारा कलर कलर हो गया।
पास कर। तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है चावल मैंने छान के निकाल लिए, तो हमारा छाना जो है वो थोड़ा सा छोटा था, इंशाल्लाह अभी जो है ना मैं बड़ा ले आऊँगी। तो अब हम देगची जो है उसको दोबारा से चूल्हे पे रखा, इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। आज तो देसी मक्खन होता ना तो क्या ही बात होती। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया ये इलायचियाँ, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे जी चीनी। और थोड़ा सा मैंने ना इसमें दूध डाल दिया। आप चाशनी तैयार करें, मैं इधर सालन देख लो, सालन कहीं ऐसा ना जल जाए। तारिक साहब ने ना इसमें वो मसाले डाल दिए थे, नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, ये दो खाने कम से कम तैयार हो जाए। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चाशनी हमारी जो है वो हो चुकी है तैयार, और अब हम इसमें डाल देंगे ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा जो है वो तैयार हो चुके है, और तारिक साहब ने जो है ना अच्छा धनिया डाला इसमें। और यहाँ पे अब हमारे जो चावल हैं ना इनको भी दम की बारी इनकी भी आ चुकी है, और अब हम इसमें ना डाल देंगे ये, मैं असल में चली गई थी वज़ू करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल और साथ में ये किशमिश जो है, गीले की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। तो अभी इसको ना नीचे उतार के रख देते हैं, ऐसे ही दम है। तो दो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं तैयार, तो अभी मैं जल्दी से जो है इशा की नमाज़ नहीं पढ़नी, मैंने असर की नमाज़ जो है वो अदा करनी है, मगरिब की। सच्ची अभी नहीं टाइम हुआ, अभी टाइम है असर की का, क्योंकि सूरज जो है ना वो बादलों में छुप गया है, लेकिन वैसे नहीं छुपा। मैं सूरज के हिसाब से चलती हूँ, टाइम के हिसाब से काम ही चलती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना वो समेट के लेकर जाती हूँ, अंदर रख देती हूँ, और फिर जल्दी से जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। तो अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो इंतखाबी निशान है ना तंदूर, वो जल चुका है, क्योंकि गर्मी आ रही है तो बस गर्मी में तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। जब तक तंदूर जलता है मैं तब तक भैंस का दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमसाए जो है ना वो आज फिर गायब है, वापस चले गए, इसलिए। माशाल्लाह अभी शाम हो चुकी है, और शाम के टाइम ये खा के भी पेट इनके फुल है। बर्तन आ गया है, दूध देना है, उठ जाओ। उठी उठी, शाबाश। इस पेट भी फुल है और उठ रही है, पता चल गया उसको ना। आजकल हम बस थापड़ी मार के ही इसका दूध जो है वो निकाल लेते हैं, कट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कमज़ोर हो गई है पहले, आज सही हो गई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
बस दूध निकालिए। हाँ जी, आजकल थोड़ा सा दूध देती है ना ये, क्योंकि इसने वो खुशखबरी दी है ना, ये भी नया दूध हो गई है। ये इसका छोटा सा कट्टू है, और अभी ये हमसायों की भैंस है जी हमारी, वो दो हैं, वो अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट है, तो ये भी अभी नया दूध हो गई है, ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। पहले इसका एक ये छोटा सा है। सारे आज उन्होंने खाना भी ऐसे मेरे साथ बनवाया, और साथ में जो है ना तंदूरी को भी देखते रहे। हाँ जी, आपने फिर जूता उतार दिए, तंदूरी जल चुकी है ना। चलिए मैं दूध अंदर रख लूँ, और फिर हाथ धो के हम बनाते हैं जी जल्दी से रोटियाँ। हाँ जी, ये फटाके अक्सर में ना छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शबरात पे अक्सर जो है फटाखे और शुरलियाँ वगैरह जो इस तरह का, ये बस पुराने दौरों की दौर की हैं, तो बस बच्चे इस तरह शौक कर लेते हैं, वरना ये चीज़ इस्लाम में तो नहीं है। तारिक साहब, तंदूर भी ज़्यादा जला दिया आपने, रोटियाँ ना गिर जाएं। बस उधर लाइन वाइज खड़े हुए। तो सभी की जी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है ना शाम से पहले पहले फारिग हो जाए, ताकि जो है अपनी इबादत कर सकें। गिर गए, नजर लगा दी। हाथ के साथ ही उठा लिए, मैं इसको पका लेती। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह शाम हो चुकी है, और खाना हमारा जो है वो तैयार हो गया, और मैंने लगा दी, और मेरी छोटी सी फैमिली जो है वो आ चुकी है। अभी हम खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना शुरू करने से पहले सभी जो है हाथ उठाकर दुआ करेंगे। अपने तमाम बहन भाई जो हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे, जिनकी जो भी मुश्किलें, आला पाक इस मुकद्दस रात के सदके सबकी तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करें। जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अला पाक उनको औलाद अता फरमाए। तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, और इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दुआ मंगो जी, क्योंकि अल्लाह पाक जो है बच्चों की दुआएं बहुत करीब से सुनते हैं। चले खाने की दुआ पढ़े, खावण की दुआ आमदी ने, खाना खावण तो पहले की पढ़ींदा। बिस्मिल्लाह वाला बरकत दे। चलो शुरू करें खाना। मम्मा ओए अल्लाह के बंदे, रख दो रोटी, शुरू करो बेटा खाना खाओ। अभी मैं जो है ना बच्चों से साइड पे हो जाऊंगी, वरना बच्चों ने शर्म से खाना नहीं खाना। खाओ बेटा।